हमारे साथ गौरव सावंत इस वक्त जुड़ रहे हैं बूचा से। गौरव, बूचा का मामला अब हिंदुस्तान की संसद में भी गूंजा है, हमने देखा, एस जयशंकर साहब ने इसका जिक्र किया, लेकिन जो सैटेलाइट इमेज निकल कर आ रही है, क्या ये रूस की परेशानियां बढ़ा सकती हैं और ये शांति वार्ता में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है कि वार्ता शायद खत्म हो जाए या फिर देरी हो जाए उसमें? उम्मीद यही है कि हिंसा बंद हो, जांच हो इस पूरे प्रकरण की, लेकिन क्या ऐसा होगा? जांच की अगर हम बात करें तो अगर आप मेरे ठीक पीछे देखें तो एक के बाद एक आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां इस समय बूचा में जा रही हैं। बूचा और इरपिन में चाहे एम्बुलेंसेस हो, चाहे इमरजेंसी वर्कर्स हो, चाहे इन्वेस्टिगेटर्स हो, ये तीनों और अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टिगेटर्स की टीम यहां। अभी हमारी एक पुलिस अधिकारी से बात हो रही थी, वो हमें ये बता रहे थे कि यूक्रेन की पुलिस तो इस मामले की जांच करेगी ही, लेकिन यूक्रेन के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ साथ एक अंतरराष्ट्रीय जांच भी होगी, निष्पक्ष जांच होगी, ऐसी जांच जिसे यूनाइटेड नेशंस मानेगा। अगर आप देखें तो ये गाड़ियां जो जा रही हैं इस समय बूचा की तरफ, ये सारी गाड़ियां हेल्थ वर्कर्स, इमरजेंसी वर्कर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनकी टीमों को लेकर ये गाड़ियां जा रही हैं, ताकि किसी भी तरह बूचा, इरपिन, होस्टमल या जहां इस समय हम हैं स्टोइन का, ये इलाके बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे रूस की बमबारी में और आर्टिलरी और मिसाइल अटैक्स में। तो कोशिश यही है कि एक रिस्टोर किया जाए बूचा को, दूसरा इन्वेस्टिगेशंस की जाए। यूक्रेन की माने तो उनके पास उन अधिकारियों के नाम भी है जिन अधिकारियों ने इस पूरे क्षेत्र में 24 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक जिनकी निगरानी में यहां रशिया के ऑपरेशंस हुए थे। रशियन आर्मी के वो ऑफिसर्स, आर्मर्ड डिवीजन के हैं वो ऑफिसर्स, उनके नाम है, जवानों के उनके पास नाम है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वो सारे नाम जुटाए हैं। अब कोशिश यूक्रेन की यह है कि उन अधिकारियों के डीएनए सैंपल्स इकट्ठा किए जाएं। हालांकि 3-4 हजार सिपाहियों के डीएनए सैंपल कैसे वो इकट्ठा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन उनकी कोशिश यह है क्योंकि आरोप बलात्कार के भी है, आरोप यौन शोषण के भी है, आरोप पकड़कर हत्या करने के भी है, तो वो चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कोशिश यूक्रेन की यह भी है कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इस क्षेत्र में तो बंद हो गए। हमारे पीछे आप वैसे अब से थोड़ी देर पहले देख सकते थे बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइलें और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी तोपें जा रही थी बेलारूस के बॉर्डर की तरफ। बेलारूस का बॉर्डर लगभग यहां से 80 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर जा रहे हैं वो लोग और कोशिश यहां पर यही हो रही है सीमाओं को सुरक्षित किया जाए और ऑपरेशंस अब जो दक्षिण और पूर्व के इलाके में है उन पर पूरा फोकस हो। शुभांकर, गौरव, एक सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि ये जांच होगी, रूस पर केस चलाने की बात की जा रही, केस चलेगा, नतीजे आएंगे, सही गलत पता लग जाएगा, लेकिन एक और सवाल जो इससे बड़ा है वो ये है कि 42 दिनों से युद्ध चल रहा है, शांति वार्ता में काफी हद तक करीबियां हो गई थी, इस घटना का उस पर कितना गहरा असर पड़ेगा, जरा इसको समझाइए और इसका युद्ध के लार्जर पिक्चर में क्या रोल होने वाला है? ये बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। देखिए, शांति वार्ता हो भी रही थी और जब हो भी रही थी तब भी यहां पर युद्ध चल रहा था, अभी भी युद्ध चल रहा है, चाहे वो कीव और आसपास के इलाकों में ना होकर मारियोपोल और खर्सन के इलाके में इस समय युद्ध, वहां पर मिसाइलें बरस रही है, पश्चिम के इलाकों पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। तो यूक्रेन की तरफ से अब वो केवल डिफेंसिव नहीं लड़ रहे हैं, यूक्रेन की सेना के अधिकारी ये कह रहे हैं कि उन्होंने पश्चिमी देशों से, नेटो देशों से अब ऑफेंसिव हथियारों की भी मांग की है। उनको T-72 टैंक मिल रहे हैं, उन्हें BMP-2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स मिल रहे हैं, उन्होंने तोपों की मांग की है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की भी और टोड आर्टिलरी की भी, 155 मिलीमीटर तोपों की भी और उससे बड़ी तोपों की भी उन्होंने मांग की है नेटो देशों से और पूर्व सोवियत संघ के देशों से, उन्होंने S-300 मिसाइल सिस्टम की भी मांग की है। तो ये केवल डिफेंसिव वेपन्स नहीं है, ऑफेंसिव वेपन्स की भी वो मांग कर रहे हैं, बातचीत भी हो लेकिन शक्ति के स्थल से वो बातचीत हो, इसीलिए यूक्रेन हथियार चाहता है।